उनासी सौ पंजा 7,950 रुपए की। तो जी आपने जैसे कि भावलपुर गल्ला मंडी का रेट आपने चेक कर लिया जनाब, तो अब आपको हम दूसरी गल्ला मंडियों से अपडेट करते जाएं। सबसे पहले तो ये है कि 25 दिसंबर आज है छुट्टी, तो कोई ख़ास काम मंडियों में आज कपास के हो नहीं रहे, तो जिन मंडियों में आज हुए हैं उन मंडियों में आपसे आपको अपडेट किया जाता हूँ। यजमान मंडी में तकरीबन को 7,000 से ले कर 8,000 रुपये तक मंडी यजमान में कपास के सोते हुए हैं, और इसी तरह मैलसी मंडी में 6,600 से ले कर 8,200 रुपए तक मैलसी का रेट रहा, और उसके बाद अहमदपुर शर्के में चल रहे हैं जनाब, वहाँ पे कपास के सौदे 6,000 से ले कर 7,800 रुपए अहमदपुर शर्के में कपास के सौदे चल रहे हैं जनाब। तो इसी तरह लोधरा में भी काम हुआ है लेकिन कम हुआ है, वहाँ पे जो काम हुआ है वो 5,800 से लेके 7,800 और कोई ढेरियाँ चंद ढेरियाँ 8,000 रुपये में भी बिकी हैं वहाँ पे। इसी तरह भावन नगर में आ जाएँ तो भावन नगर में 7,000 से लेके 8,100-8,200 रुपये तक भावन नगर में आज कपास के सौदे हुए हैं। चीचावतनी में 6,000 से ले कर 8,000-8,100 रुपये तक चीचावतनी में आज कपास के सौदे हो रहे हैं जनाब। और उसके बाद अगर देखा जाए हासलपुर में 7,000 से लेके 8,200-8,250 रुपये कपास की ख़रीदारी हो रही है। हरुणाबाद चले जाएं तो वहाँ पे 6,800 से लेके 8,000-8,100 रुपये हरुणाबाद में कपास के सौदे हो रहे हैं जनाब। तो लेकिन आज कोई दिलचस्पी नहीं है कपास की ख़रीदारी में। नंबर एक तो ये कि आज 25 दिसंबर है, बैंक भी बंद हैं, वो छुट्टी है, लेन देन भी नहीं हो, कई गाहक ऐसे होते हैं, ख़रीदार ऐसे होते हैं या बिकवाल ऐसे होते हैं जिन्हें नगद ही भुट्टी बेचनी होती है, तो वो पेमेंट का इशू बन सकता है जी। इसलिए आज कोई ख़ास दिलचस्पी कोई गाहक भी नहीं है, 2-4-5 मंडियों में आज कपास का काम हुआ नहीं। ये 2-4 मंडियों में जो कपास का काम हुआ है वो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ रेट शेयर किया है जी, जिन मंडी में जो काम हुए हैं वो इस रेट में हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ, इसलिए आज वीडियो भी लेट हो गई, मैं शायद कोई काम शाम निकल आए मंडियों में तो फिर ही आपको अपडेट करूँ। तो लेकिन अब तक यही इसी मंडियों में यही कुछ काम हुआ था, तो इसलिए आगे कोई हो नहीं सका। तो जी जज़ाकल्ला, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, सर्दियों का मौसम है, सबसे बढ़कर ये कि हक हमसाए कोई रिश्तेदारों में, हक हमसायों में कोई गरीब, तो उसका बहुत सा ख्याल रखें। कोई गर्म कपड़े आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हों तो उनको ज़रूर दें। तो ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल जो भी होगा तो फिर इंशाल्लाह बाकी मंडियाँ टोटल जितनी भी मंडियाँ पंजाब की आपको उनकी रेट से अपडेट करेंगे। आज तो यही कुछ था जी, तो मैंने कहा जो भी है जितने भी मंडियों में जो भी काम हो रहा है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता चलूँ, तो वो मैंने जनाब आप लोगों के साथ आज शेयर किया। तो अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला खैर बरकत अता करे आपके कारोबार में, मेरे कारोबार में, सबके कारोबार में, और पाकिस्तान की खैर फरमाए। और एक याद आ गया, जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले भाई मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको हर अपडेट जो है वो बर वक्त टाइम पे पहुंचती रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।